राजधानी दिल्ली में रोड रेज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं वाहन चालक आपस में भिड़ रहे हैं तो कहीं वाहन चालक पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर उन्हीं से मारपीट कर रहे हैं। हाल में ही दिल्ली के संगम विहार इलाके का एक मामला सामने आया, जहां बुधवार सुबह रॉन्ग साइड से आ रहे एक युवक युवती को रोकना ट्रैफिक पुलिस के लिए भारी पड़ गया। युवक युवती अपनी गलती मानने की जगह इंस्पेक्टर से ही जाकर भिड़ गए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की कॉलर तक पकड़ ली। बात इतनी बढ़ी कि लोगों ने पुलिसकर्मी का साथ देने की बजाय उसके साथ मारपीट की। घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मेडिकल करवाया जा रहा है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के संगम विहार के देवली मोड़ पर बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात था। इंस्पेक्टर का कहना है कि वाहन चालक रॉन्ग साइड से आ रहे थे और एक ही वाहन पर तीन लोग सवार थे, इसलिए उन्हें रोका गया। लेकिन जब इंस्पेक्टर के द्वारा रोकने की कोशिश की तो युवती गुस्सा हो गई और इंस्पेक्टर से उलझने लगी। काफी देर इंस्पेक्टर और युवक युवती की बहस होती रही, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें वाहन को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन युवक और युवती ने इसके लिए मना कर दिया। इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान युवती नीचे गिर गई, जिससे अन्य लोग भी वहां एकत्रित होने लगे। लोगों ने इंस्पेक्टर की बात सुने बिना ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके बाद अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचे और इंस्पेक्टर को बचाया। इस घटना के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मारपीट करने वाली युवती ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इस मामले को तिगरी थाने में दर्ज किया गया है। साथ ही घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।